हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है कार्मा। ठीक है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है? ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर लाइफ, थर्ड पार्टी एंड योर पर्सन। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया अगर इससे मुझे सपोर्ट मिलती है, और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। कार्मा, आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है? थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है? ठीक है, क्या सिचुएशन है इन दोनों के बीच? आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है? हम इस रीडिंग को क्वेश्चंस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है? फोर ऑफ पैंटिकल। आपके पर्सन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन हो सकती है। नाइन ऑफ कप्स। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच यहाँ पर कुछ सिचुएशन होल्डिंग बैक कोई भी है। ठीक है, आपके पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी से बहुत कुछ डिस्कस नहीं कर रहे, या बहुत कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहे। आपके पर्सन मुझे इस वक्त अपनी विशेष को फुलफिल करने के लिए बिजी नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर आपके पर्सन का जो माइंड है वो मटीरियलिस्टिक वे में बहुत ज़्यादा एक सीरियस हुआ हुआ है। बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक लाइफ को आपके पर्सन तवज्जा दे रहे हैं। उन्होंने प्योरिटी अपनी मटीरियल, अपनी जॉब, अपना लाइफ, अपनी कैरियर, अपनी अपने गोल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं, बहुत कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे। वहाँ से कोई रिस्पॉन्स भी आ रहा है तो आपके पर्सन उसका जवाब भी, कोई कार्रवाई या जवाब कोई नहीं दे रहे। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर होल्ड बैक करना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है इस रिश्ते से ज़्यादा उनको अपने कैरियर पे टाइम देने की ज़रूरत है, उनको अपने कैरियर पे फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन अपने कैरियर को लेकर, अपने विशेष को फुलफिल करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन के लिए अपने विशेष ज़्यादा अहम है, ना कि वो थर्ड पार्टी। होल्ड बैक कर रहे हैं और कुछ छुपाए हुआ है, कुछ बात नहीं करना चाह रहे या कुछ बताना नहीं चाह रहे। ठीक है, यहाँ पर इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है? थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है? कम्युनिकेशन नहीं है, फाउंडेशन की कमी है। फोर फोर की एनर्जी यहाँ पे, फाउंडेशन नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं है, अट्रैक्शन बेस है लेकिन कोल्ड और डिटैच एनर्जी है। आपके पर्सन शायद इस पर्सन की तरफ एक अट्रैक्शन के थ्रू यहाँ पर इस रिलेशनशिप में कनेक्ट हुए थे। एक ब्यूटी, एक चार्म, एक सक्सेस, उनको ऐसा लगा था यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर इस वक्त कोल्ड और डिटैच नज़र आ रहे हैं। वो अपनी इस एनर्जी से निकलकर इस एनर्जी में आ चुके हैं, कोल्ड और डिटैच। बहुत कुछ यहाँ पर होल्ड बैक करना, हर चीज़ बताना नहीं। अगर पास में बहुत आपके पर्सन एक पैशनेटिव वे में इस पर्सन की तरफ गए थे तो बहुत एक लॉजिकल माइंड हो चुके हैं। ठीक है, बहुत कुछ होल्ड बैक कर रहे हैं, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, बहुत सोच समझ कर कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन देखिए, जिस चीज़ को लेकर गए थे, एक अट्रैक्शन को लेकर गए थे, तो अट्रैक्शन कभी भी कायम नहीं रहती। कुछ एंड हुआ है इन दोनों के बीच, कुछ एंडिंग, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पर्सन के अंदर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ, कुछ बदल रहा है आपके पर्सन में इस इंसान को लेकर। ठीक है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को एक सोलमेट लगा था। ठीक है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है, या ऐसा कोई रिश्ता जिसके आपके पर्सन को ऐसा लगता था इस पर्सन के साथ आपके पार्टनर की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, एक कंपैटिबिलिटी का एक बहुत अच्छा, जैसे एक जैसी पसंद होना, एक जैसा खाना खाना, या एक जैसा एक रिलीजियस होना, या एक जैसा एक कास्ट और कल्चर होना। ठीक है, कोई भी यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगा था ये पर्सन इसी की तरह एक सिमिलर है। ठीक है, एक सिमिलर एनर्जी लगी थी इस पर्सन को, लेकिन यहाँ पर इस वक्त कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है आपके पर्सन की एनर्जी में। आपके पर्सन मुझे कोल्ड और डिटैच दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ उनके दिल में कोई 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 मतलब कि कुछ ऐसा उनके माइंड में, या उनकी सोच में, उनके दिल में कोई ऐसी चीज़ आई जैसे वो इस रिश्ते को आगे की तरफ बढ़ा नहीं सकेंगे, चला नहीं सकेंगे। ठीक है, कोल्ड हैं, डिटैच हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, कुछ कहना नहीं चाह रहे, कुछ पूछना नहीं चाह रहे, किसी चीज़ का जवाब नहीं देना चाह रहे। ठीक है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बीच क्या चल रहा है? थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है?
सिचुएशन में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट है फाइव ऑफ वंड्स के साथ। एक यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग गेम है, इस पर्सन को लग रहा है ये पर्सन यहाँ पर कुछ स्नेकी बिहेवियर करके यहाँ पे जानबूझ के आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हो रहा है, जो भी आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो रहा है इन लोगों के बीच, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ये पर्सन जानबूझ के ऐसा कर रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक सिमिलर एनर्जी है, एक मिररिंग एनर्जी है, ये थर्ड पार्टी इस पर्सन को मिरर करती है। इस वक्त इन लोग के बीच कुछ खास अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है, एक कोल्ड और डिटैच है दोनों एक दूसरे से, बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे। यहाँ पर आपके आपके पर्सन यहाँ पर खामोश हैं, और थर्ड पार्टी कुछ यहाँ पर किसी तरीके की कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, कोई किसी तरीके की इस पर्सन ने इससे कुछ ना कुछ छुपाया है, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है आपके पर्सन कुछ हाइड कर रहे हैं थर्ड पार्टी से। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप की सिचुएशन है। थर्ड पार्टी ये सोचती है कि आपके पार्टनर यहाँ पर एक ओपन अप होके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या क्लैरिटी से इसको कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे, या बहुत कुछ इसको अपनी ज़िंदगी में जो चल रहा है वो बता नहीं रहे। ठीक है, थर्ड पार्टी थोड़ी यहाँ पर मुझे एग्रेसिव लग रही है, और आपके पर्सन भी क्योंकि कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे इस पर्सन से। एस ऑफ वैंड एंड टेन ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है टेन ऑफ पैंटिकल। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग के लिए कंफ्यूजन चल रही है दोनों ही पार्टीज में। ठीक है, किसी को भी यहाँ पर नहीं पता कि यहाँ पर आगे बढ़ना इस रिश्ते के लिए ठीक है कि नहीं, यहाँ पर इस रिश्ते में कनेक्ट होके एक सिचुएशन की तरफ जाना, एक सिचुएशन को अप्रोच करना, ये चीज़ सही रहेगी या नहीं। ठीक है, ना थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है, ना आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जब ये रिश्ता बनाया था तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग का सोचा था, एक एक टेन ऑफ कप्स टेन ऑफ पैंटिकल कंप्लीट फैमिली कंप्लीट लव लाइफ का सोचा था। लेकिन अब ये लोग इस वक्त इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है, एक दूसरे से चीज़ें सोच रहे हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत बुरे तरीके से ख़त्म हुई हुई हैं, चीज़ें बहुत बुरे तरीके से नेगेटिव हुई हुई हैं। अगर ये पर्सन यहाँ पर कोल्ड है डिटैच है, तो थर्ड पार्टी भी कोल्ड और डिटैच हो गई है। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि अब वो इससे ज़्यादा इस पर्सन का वेट नहीं कर सकती, किसी कम्युनिकेशन का किसी क्लैरिटी का अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इसका वेट करते रहे या इसके ईगोइस्टिक बिहेवियर को झेलते रहे। मुझे यहाँ पर आपके पर्सन एक ईगोस्टिक पर्सन लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगो से डील करते हैं, जिन जिस भी चीज़ों के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपके पर्सन यहाँ पर एक सेल्फलेस होके नहीं होते, अगर आपसे कनेक्ट थे तो भी ईगो थी, और इस पर्सन से कनेक्ट हैं तो भी ईगो है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी भी कुछ यहाँ पर आपके पर्सन से कुछ सवालों के जवाब चाहती है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे वेटिंग गेम चल रहा है, बहुत ज़्यादा एक वेटिंग एनर्जी है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, उनको देखा जा रहा है कि अगर यहाँ पर इधर अभी जान बाकी है, अगर ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर एक एंडिंग है। ठीक है, पास्ट में इन लोगों ने बहुत कुछ सोचा एक दूसरे के साथ स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे, लेकिन वो सारे प्लान फ्लॉप हैं, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर करना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है इन दोनों के बीच। ठीक है, ये रिश्ता इनका क्यों एंड हुआ, लेट्स सी, हम चेक करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता क्यों खत्म हुआ, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता क्यों खत्म हुआ, ऐसी क्या वजह थी जो इन दोनों का रिश्ता खत्म हुआ है। जस्टिस, इधर जस्टिस नहीं था, आपके पर्सन ने यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इस रिश्ते में भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, बहुत ज्यादा यहाँ पर फूल एक फाइव ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा एक आपके पर्सन ने जस्टिस नहीं किया, आपके पर्सन को यहाँ पर एक एक आपके पार्टनर यहाँ पर किसी तरीके की रिस्क टेकिंग नहीं करना चाहते थे। ठीक है, एक अपने आप को फुली डिवोटेड नहीं किया आपके पर्सन ने इस रिश्ते में भी, मेंटली आर्ग्यूमेंट रही है बहुत ज़्यादा, एक एक खींचातानी रही है, बहुत ज़्यादा लॉजिकली डील करा गया इस रिश्ते को, बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग से इस रिश्ते को डील किया गया है, यहाँ पे एक बैलेंस नहीं रहा, यहाँ पे एक सेम तराजू नहीं रहा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज सिचुएशन रही है। ठीक है, मतलब कि एक यहाँ पर जस्टिस मुझे नज़र नहीं आ रहा इस रिश्ते में। ठीक है, एक जस्टिस नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा, एक यहाँ पर बैलेंस आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिश्ता क्यों खत्म हुआ, इन एंड आउट, आपके पर्सन अपने मूड के हिसाब से इस पर्सन को डील करते हैं, अगर उन्होंने आपके साथ भी ऐसा किया है, कोई डिसीजन मेकिंग ना लेना इस पर्सन के पास, अपनी अपनी नीड के तहत अपनी ज़रूरत के तहत जाना, उसके बाद वापस कोई एक कोई डिसीजन मेकिंग ना कर पाना, आपके पर्सन ने अगर आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं की तो इस पर्सन के लिए भी नहीं की। ठीक है, इनका रिश्ता जो एक एक बहुत ज़्यादा एक डीप थिंकिंग पे इसलिए गया, एक लॉजिकल माइंड इसलिए हो गया, क्योंकि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को मजबूर करा सोचने के लिए, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में नहीं लग रहे, बहुत ज़्यादा एक फायरी एनर्जी में, बहुत एक पैशनेट, बहुत एक अट्रैक्टिव एनर्जी में, अपनी अट्रैक्शन और पैशन के तहत वो इस सिचुएशन को डील करते हैं,
और अदरवाइज वो अपनी ज़िंदगी में वापस मगन हो जाते हैं। ना आपको वो सब कुछ देते हैं, ना इस पर्सन को वो सब कुछ देते हैं जहाँ वो गए थे। ठीक है, यहाँ पे किसी यहाँ पे जस्टिस नहीं हुआ। ठीक है, इस रिश्ते में भी जस्टिस नहीं हुआ है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ता क्यों खत्म हुआ? आप थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई मैरिज कमिटमेंट या तो कोई शादी के हवाले से कमिटमेंट या कुछ चाहती थी। ठीक है, इस पर्सन से द हाई प्रिस्टेस, ये पर्सन एफर्ट नहीं करना चाहता था, ये पर्सन रिस्क टेकिंग नहीं करना चाहता था, ये पर्सन इस पर्सन को भी कंट्रोल करता रहा है। किसकी एक जैसे यहाँ पर एक इसने अपर हैंड रखा है उस रिश्ते में भी जाकर, बहुत ज़्यादा अपनी मर्जी के तहत इन्वेस्ट करना, अपनी मर्जी के तहत यहाँ पर एक डिफेंसिव एनर्जी में चले जाना, एक बहुत ज़्यादा एक डिफेंसिव हो जाना इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन चाहता रहा है कि यहाँ पर कंट्रोल ये करे। ठीक है, कंट्रोलिंग एनर्जी में रहे, जितना कर सकता है उतना कंट्रोल करे इस रिश्ते को। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ता क्यों खत्म हुआ? सेवन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर है कार्मा, कार्मिक पर्सन था इसलिए एंड हुआ है। आपने इस ये जो सिचुएशन जो डिफरेंट और नेगेटिव हुई है वो इस वजह से हुई है, आपने इस पर्सन का इंतज़ार बहुत ज़्यादा किया है जो इसकी ज़िंदगी में एक कार्मिक सिचुएशन बना रही थी। यहाँ पर आपने इसके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए बहुत इंतज़ार किया है। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन किसी और के साथ किसी कार्मिक सिचुएशन में था, ये यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हो पाया और इसने आपको भी सुकून नहीं दिया। कहीं ना कहीं ये आपका कार्मिक था, जहाँ ये पर्सन गया था वो भी कार्मिक था। इन दोनों के बीच चीज़ें ऐसे स्टक नहीं हुई, बहुत कुछ इन दोनों के बीच यहाँ पे नेगेटिव एक नेगेटिवली यहाँ पर एक पैटर्न इस पर्सन के साथ भी इसका चलता रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक जैसे कार्मा प्ले आउट हो रहा था। इसने आपके साथ गलत किया, इसने किसी और ने इसको उसी तरीके से वूंडेड किया, लेकिन यहाँ पर फर्क ये था कि सामने वाला भी स्ट्रांग निकला। ठीक है, सामने वाला भी स्ट्रांग निकला। अगर वो यहाँ पर गलती कर रहा था तो वो भी ढिठाई से कर रहा था, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो गलती कर रहा है। उसने एक बराबर की इसको एक जैसे टक्कर दी, एक बराबर का जैसे इसको मुकाबला मिला, और आप यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करने के लिए वेट ही करते रहे। कुछ कार्मिक सिचुएशन बनी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे इसको अपने कार्मिक से निमटना था और आपको इससे कोई कार्मिक लेसन लेना था। यहाँ पे कार्मा का कार्ड है और यहाँ पे डेथ का कार्ड है। ठीक है, ये सिचुएशन बुरे तरीके से बिखरी है, बुरे तरीके से एंड हुई है, बुरे तरीके से एक फॉल हुई है। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन खत्म हुई है इन दोनों के बीच, क्योंकि यही कार्मा रहा है जो एक एंडिंग आई है, इसी वजह से आई है। वन कार्ड क्लारिफाई करेगा इसको। जगलिंग सिचुएशन, आपके पर्सन इधर भी जगल करते रहे कि यहाँ पर इस पर्सन को इधर आपके पार्टनर को कोई मैरिज ऑफर देना है या नहीं देना है, कोई कमिटमेंट देनी है या नहीं देनी है, क्योंकि यहाँ पे एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ कार्मा चल रहा था, कोई कार्मिक यहाँ पे चीज़ें, कोई कार्मिक बिहेवियर, कोई कार्मिक सिचुएशन जो कार्मिक तरीके से डील हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव वे में डील की जा रही थी, बुरे तरीके से यहाँ पर जो सिचुएशन चली रही थी, ठीक है, ये वो हो रहा था। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है? थर्ड पार्टी और इसके बीच तो कोई जगलिंग चल रही है, थर्ड पार्टी को भी इस वक्त जगल कर रहा है, थर्ड पार्टी के लिए सेटिस्फाई नहीं है, थर्ड पार्टी के लिए कोई एक्शन लेना नहीं चाहता, साइलेंट होके बैठा हुआ है, एक डेड एंड की एनर्जी है। जैसे इस पर्सन को ये लग रहा है कोई कार्मिक है, इस पर्सन को इस थर्ड पार्टी एक कार्मिक वे में ये डील करता है इसको। आपके साथ भी इसकी चीज़ें एंड हो चुकी हैं। ठीक है, वहाँ पर चीज़ें एंडिंग पे हैं और आपके साथ भी एक चीज़ें एंड हो चुकी हैं। टेन ऑफ सोर्ड, यहाँ पर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। इस पर्सन ने जो भी एक अपनी थर्ड पार्टी क्रिएट करी, फोर्थ पार्टी क्रिएट करी, आपके साथ भी यहाँ पर चीज़ें कुछ खास नहीं चली हैं, इसने आपके साथ भी चीज़ें एंड कर दी। इसको ऐसा लगता है यहाँ पर इसके लिए जेन्युइन इमोशंस थे आपके लिए, लेकिन इसने यहाँ पर कोई एफर्ट नहीं करी, एफर्ट ना करने की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। इसने कोई एफर्ट नहीं ली, इसने कोई समझने की कोशिश नहीं करी, इसलिए रिश्ता एंड हुआ है। देखिए यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड, इसने कुछ यहाँ पे इस रिश्ते को बनाने के लिए ज़रा भी एफर्ट नहीं करी, कुछ कुछ यहाँ पर करने की जहमत नहीं की कि इस रिश्ते को अगर बचाना था तो उस टाइम बचाना था जब आप यहाँ पर परेशान हो रहे थे। यहाँ पर फिलहाल इसको लग रहा है कि ये कहानी भी यहाँ पर ये रिश्ता भी ख़त्म ही हो चुका है। इस पर्सन को पता है आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है और आपने अपने ऑप्शंस को ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए ऐसा नहीं है, आप एक इमोशनल पर्सन है, आपके साथ कौन ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ाना चाहेगा। इस पर्सन को ऐसा लगता है एक अट्रैक्टिव भी हैं और इमोशनल भी हैं। अपनी लाइफ में कोई एक एक अट्रैक्टिव और एक एक इमोशनल जो आपको कप ऑफर करे, आप ऐसा पर्सन सर्च कर रहे हैं।
ये पर्सन जानता है आप अपने लिए कोई 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 पर्सन ढूंढ रहे हैं जो आपकी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन लाए, ठीक है, जो आपकी लाइफ में पीस क्रिएट करे, लेकिन वो कमिटमेंट के बेस पर। ये पर्सन जानता है आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप किसी भी ऐसे रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होंगे जो आपकी लाइफ में कोई और रिग्रेट लेकर आए, ठीक है। आप मिस करते हैं इस पर्सन को, ये पर्सन जानता है कि आप इसको याद करते हैं। मेरे व्यूवर के लिए ये पर्सन क्या सोच रहा है? मैरिज, जब चीज़ें एंड हो चुकी हैं, आपको एक मैरिज मटेरियल देख रहा है, या आपके साथ एक बैलेंसिंग एनर्जी सोच रहा है, ये चाहता है यहाँ पर चीज़ें आपके साथ बदल जाएं, आपके साथ एक स्टेबल वे में जाएं, मतलब एक बैलेंसिंग पोजीशन पे आ जाए, आप हील हो जाए। इसको ऐसा लगता है इसने आपको बहुत हर्ट किया है, जो भी इसने क्रिएट करा, थर्ड पार्टी यहाँ पे जो भी क्रिएट करी, जो आपके सामने आई, आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। आपने यहाँ पर जो भी इस रिश्ते में रहते हुए जो भी आपने यहाँ पर देखा है, अब उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, ठीक है। ये इंसान चाहता है कि ये रिश्ता जो है ना एक न्यू तरीके से स्टार्ट हो, ठीक है। ये इंसान चाहता है कि आपका और इसका रिश्ता एक न्यू तरीके से स्टार्ट हो। टोली बट श्योरली ये चाहता है, इसकी होप, इसकी होप बनी हुई है, ये आपको कोई ऑफर दे, ठीक है, बिल्कुल ये आपकी तरफ आना चाहता है, मूवमेंट करना चाहता है, लेकिन अब इसको पता है अब आपके पास ऑप्शंस हैं, अब इसको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस में से इसको कोई एक 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 लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, आपको मनाने के लिए इसको कोशिश करनी पड़ेगी, आपकी तरफ मूव करना चाहता है, और कहीं ना कहीं ये भी मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप ही इसकी तरफ आ जाएं तो क्या बात होगी। एफर्ट करेगा अभी आपके लिए, इसके माइंड में है कि इसके पास आपके लिए क्लैरिटी है मैरिज करने के लिए, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए नहीं है। ये आपको अपनी पावर में देख रहा है, इस वक्त फीलिंग ऑफ लॉस में है, क्योंकि ये इस रिश्ते को, उस पोटेंशियल को खो चुका है जो इस रिश्ते में इसको दिखता था। मतलब कि आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट थे इस पर्सन को लेकर कि इसके साथ आपको आगे बढ़ना है, इसको पता आपके पास वो कॉन्फिडेंस अब नहीं है, आप लूज कर चुके हैं कि इसके साथ आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपके पास वैसी क्लैरिटी नहीं है कि आपको ये एक एस ऑफ पेंटिकल का ऑफर इसको देना है या इसी से लेना है, मतलब कि आगे आपको इसी के साथ बढ़ना है, इसके इस सबके लिए क्लैरिटी नहीं है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का आपकी तरफ क्या रहेगा? इसका कार्मा कुछ ऐसा रहा है, इसने वहाँ पर बहुत कुछ सहा है, ठीक है। स्टॉक एंड सर्च करेगा ये पर्सन जगह जगह से, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है आपके, वहाँ पर ही आपको देखने की कोशिश करेगा कि आप क्या कर रहे हैं। साइलेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा साइलेंट रहेगा, कुछ कहेगा नहीं आपसे, लेकिन इंट्यूशन को सुनने की कोशिश, साइलेंटली एक ये एक मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, और फिर सेकेंड एक साइलेंट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव वे में आपको यहाँ पर देख रहा है। ये एक लेफ्ट इन द कोल्ड का भी इसको यहाँ पर एहसास है, क्योंकि आप इसकी एक सपोर्ट थे, जो इसकी सपोर्ट इसको ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो रही है, आप इसके साथ ना होते हुए भी साथ थे, क्योंकि आपने हमेशा इसको अंडरस्टैंड किया है, और एक ऐसा पॉइंट आया अब आप इसको समझने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, इसकी इंट्यूशन कह रही है कि इसकी ज़िंदगी आपके साथ है, आप इसके साथ इन फ्यूचर इसका और आपका एक कनेक्शन है जो आप लोग एक साथ देखेंगे। मैनिफेस्ट कर रहा है होप यहाँ पे, इसको कभी कभी एक कंफ्यूजन है, कभी इसकी होप यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपके साथ कनेक्शन आगे बढ़ाने की, कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। फाइव ऑफ सूट, फाइव फाइव की एनर्जी कोई चेंज लाना चाहता है आपके और इसके रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी, यहाँ पर एक साइकिल आप लोगों की एंड हो रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है दी वर्ल्ड, एक साइकिल खत्म हो रही है, और यहाँ पे फ्रंट ऑफ द डेक है दी फूल, यहाँ पे कुछ बिगिन होगा, ये साइकिल तो इसकी एंड हो चुकी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये साइकिल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये बर्डन सम सिचुएशन बन चुकी है, देखें हार्ट ब्रोकन है इस सिचुएशन की तरफ से, यहाँ पर कुछ इसको मिला नहीं है, ना ये कुछ यहाँ पर कुछ करना चाहता है। देखें यहाँ पर टेन ऑफ फैंस, एक बर्डन सम सिचुएशन है, ये बहुत ज़्यादा एक स्टक सिचुएशन है, बर्डन सम सिचुएशन है, यहाँ पर ये ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, इसको ऐसा लग रहा है यहाँ पर इस पर्सन ने भी कोई थर्ड पर्सन डील किया है, बिल्कुल यहाँ पे ये सिचुएशन इसलिए एंड हुई है क्योंकि थर्ड पार्टी ने भी किसी और को जाके डील किया है। अब अगर ये इसकी तरफ आने का सोच भी रही है, तो आपके पर्सन इस चीज़ के लिए क्लियर नहीं है, आपके पर्सन के पास क्लैरिटी है तो आपके लिए, ठीक है। अब आपके साथ ये बिगनिंग करना चाहते हैं, आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं, अब आपके लिए क्लैरिटी है लेकिन आप यहाँ से अब वॉक अवे कर रहे हैं, अब आप यहाँ से जा रहे हैं। आपने इसको पास में ये ऑफर दिया था जो इसने एक्सेप्ट नहीं करा, आप जिसकी रियलाइजेशन इसको अब हो रही है, लेकिन अब आप यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पर इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, अब आप यहाँ पर वॉक अवे कर रहे हैं। आपके पास क्लैरिटी मिल चुकी है आपको, और इसको क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप इसके सोलमेट हैं, ये आपके साथ बिगनिंग करना चाहता है। जहाँ इसने इन्वेस्ट किया वहाँ सिर्फ कार्मा था, वहाँ इसको लेसन था, आपकी आपकी वर्थ की रियलाइजेशन थी कि आप
आपके साथ इसको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए था, ये इसको अच्छे से वहां बताया गया। ठीक है, यहाँ पर चले देखते हैं, यहाँ पर इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जॉय एंड डिलाइट, यहाँ पर आपको खुश रहना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ते रहें और खुश रहें, सुकून में रहें। ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है मेक अ मूव, रुकिएगा मत, गो विद द फ्लो, आगे की तरफ बढ़ते रहें, खुद को आप पीछे की तरफ नहीं लाइएगा इस रीडिंग को देख कर कि ये वापस आ रहा है। वाटर मैजिक, आपकी लाइफ में कोई वाटर एक एलिमेंट है जो आपको हील करता है, कोई वाटर साइन हो सकता है ये पर्सन, या आपको पानी से एक हीलिंग मिलती है। ठीक है, आप खुद को हील कर सकते हैं वाटर से। चेंज एंड प्रोग्रेस, आपकी आपकी सिचुएशन में चेंज आ रहा है और एक प्रोग्रेस हो रही है जो आपको नज़र नहीं आ रही। ठीक है, डिवाइन आपको बता रही है। यहाँ पर आपको रेस्ट एंड रिजुविनेट, यहाँ पे आपको रेस्ट करना चाहिए और थोड़ा सा एक अपने नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। मेडिटेट, मेडिटेशन फॉर पीस, आपको पीस के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, इंस्पायरेशन एंड करेज, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन है और करेज है, आप अपना करेज करेज गैदर करें, रुकिएगा मत, ये रीडिंग देख के भी मत रुकिएगा कि ये वापस आ रहा है, वापस स्टक हो जाए, नहीं। आप जहाँ भी हैं बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँचे हैं, आपने खुद को पास से बहुत मुश्किल से यहाँ लाकर खड़ा करा है, तो आप वो करें जो आपको करना चाहिए, जिसके आपको यहाँ पर करेज मिला है, जिस चीज़ का आपको रुकना नहीं है, आगे की तरफ ही बढ़ना है। ठीक है, मैं स्टडी को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।